राजस्थान की इस थाली ने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है और इसकी वजह से ही राजस्थान को जाना जाता है इस खाने की वजह से, जिसमें है चूरमा, हींग की तड़के वाली दाल, बाटी जो बिल्कुल घी से भरी है, साथ ही लहसुन की चटनी, पापड़ और सलाद। ये थाली देखने में जितनी ज़्यादा सुंदर है, खाने में भी उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी है। तो जस्ट एड स्पाइसेस विद दीप्ति आज इसी थाली रेसिपी के साथ आप सभी का वेलकम करती है और शुरू करते हैं इस रेसिपी को। इसे बनाने के लिए मैंने मिक्स दाल ली है, आप चाहें तो अलग अलग दालों को भी मिक्स करके ले सकते हैं। इसमें बेसिकली 5 तरह की दालें पड़ती है, जिसमें अरहर, मूंग, मसूर, उड़द और चने की दाल आती है। तो मैंने इसे अच्छे से धो लिया है और इसके गर्म पानी के अंदर इसे रखा है। अब मैंने इसमें हल्दी और नमक डाला है। इसके मैंने झाग उतार लिए थे, जिसे उतारना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कुकर की सीटी लगानी है। अब मैंने इसमें कटे हुए टमाटर डाल के गैस की आंच को सिम करके रख दिया है। अब हम शुरू करते हैं चूरमा बनाना। तो चूरमे के लिए सबसे पहले आटा लगाना है। अगर आपके पास मोटा आटा हो तो आप ले सकते हैं, नहीं तो इसमें आप सूजी मिक्स कर सकते हैं, जैसा मैंने किया है। तो नॉर्मल गेहूँ के आटे में मैंने आधा कप सूजी डाली है और साथ ही घी का मोइन लगाया है और इसका अब एक सख्त सा आटा लगा लेंगे। मोइन हमें इतना लगाना है कि मुट्ठी सी बनने लगे, तभी हमारा चूरमा अच्छे से बन जाएगा। तो इसका आटा हमें सख्त लगाना बहुत ज़रूरी है, तो कम से कम पानी डालते हुए हमें आटा लगाना है। चूरमे और बाटी का हम अलग अलग आटा लगाएंगे। तो मैंने इस आटे को लगा लिया और इसे कपड़े से ढककर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब बाटी का आटा लगाने के लिए मैंने 1.5 कप आटा लिया है नॉर्मल वाला और साथ ही आधी कटोरी इसमें सूजी डाली है। अब इस बाटी के अंदर हम नमक डालेंगे और साथ ही इसमें अजवाइन डालेंगे, इसीलिए इस आटे को अलग से लगाया है। अब इसमें घी का मोइन देंगे। तो मैंने पहले 2 चम्मच डाला है और 1.5 चम्मच बाद में और घी डाला है। इसका भी हमें सख्त आटा ही लगाना है, तो पानी कम से कम डालते हुए आटा लगाना है हमें। और सूजी की वजह से और ये टाइट हो जाएगा, तो हमें इसका टाइट डो ही चाहिए। अभी आटा लग गया है। वैसे तो बाटी कई तरह से बनाई जाती है, पर आज मैं इसे ओवन में बना रही हूँ। राजस्थान में बाटी कंडों पे सेक के बनाई जाती है, पर गैस पर जब हम बनाते तो इस तरह का ओवन होता है जिसे हम सीधा गैस के ऊपर रख देते हैं। इसके ऊपर इस ढंग से जाली लगती है और उसके ऊपर ये ढक्कन लगता है, तो इस जाली के ऊपर हम बाटियाँ रखते हैं जिस पर सेकते हैं। तो मैंने सभी जो बाटी का था आटा, उससे डो से बॉल बना ली है सारी, और इन पे मैंने चाकू की हेल्प से प्लस का निशान लगा दिया है और इसे इस ओवन में रख दिया है। अब जो चूरमे का आटा था उसे एक बार फिर से हम मसल लेंगे और फिर इसकी भी हम गोल बॉल्स बना लेंगे। इसे मैंने थोड़ा सा चपटा रखा है ताकि दोनों में अंतर पता चल सके कि चूरमे की बाटी है और दूसरी वाली खाने वाली बाटियाँ थी। इन पर भी हम चाकू की हेल्प से प्लस का निशान लगा लेंगे ताकि अच्छे से सिकाई हो सके अंदर तक, और इन्हें भी उसी ओवन में मैंने रख दिया है। गैस की आंच को हमें मीडियम टू लो ही रखना है, हाई फ्लेम पे हमें बिल्कुल नहीं रखना है, वरना सारी बाटियाँ हमारी जल जाएगी, और बीच बीच में से संभालना बहुत ज़रूरी है। अब दाल भी सेम आँच पर रखी थी मैंने 2 सीटी आने तक, तो बॉयल हो गई अच्छे से। इसमें जो चने की दाल के चंक्स रहते हैं उन्हें हमें बिल्कुल मैश नहीं करना है, वो रखना है। और दाल की कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, इसकी दाल वैसे गाढ़ी ही रहती है। बहुत से लोग इसे लहसुन प्याज में बनाते हैं, पर आज मैंने इसे हींग में बनाया है और मैंने थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डाला है। तो देखिए अब मेरी दाल की कंसिस्टेंसी एकदम बिल्कुल सेट हो गई है। अब मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है, अगर आपके पास हरा धनिया हो तो वो भी ज़रूर डालिएगा। अब बीच बीच में बाटी को हम संभालते रहेंगे। देखिए बीच में थोड़ा सा निशान आने लगे हैं ब्लैक, हल्की सी जलने सी लगी थी, तो हमें बराबर इसे ध्यान रखना ज़रूरी है। अब मैंने 2.5 चम्मच घी लिया है, आज की दाल को हम घी में ही फ्राई करेंगे। और जब घी गर्म हो गया तो मैंने 1/2 चम्मच इसमें जीरा डाला है और साथ ही मैंने
दो लौंग और तीन काली मिर्च को अच्छे से कूट लिया था, तो ये ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब मैंने सूखी तीन चार लाल मिर्च डाली है, तो ये डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। और अब सबसे ज़रूरी चीज़ हींग, तो हींग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उस दाल की खुशबू उतनी अच्छी आएगी। तो मैंने 1/4 चम्मच हींग डाल दी है और साथ ही इसमें हल्दी और लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब हमारा तड़का बनकर बिल्कुल तैयार है, इसे हमें दाल में डालना है और डालने के बाद तुरंत इसका ढक्कन बंद कर देंगे ताकि अच्छी सी खुशबू इसमें बैठ सके, और बीच बीच में बाटी को संभालते रहेंगे। जब ऐसा लगे कि बाटी हल्की सी जल रही है तो गैस की आंच को बिल्कुल सिम कर देना है, और जैसे जैसे हमारी बाटी सीखेगी वैसे वैसे इसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। ये बाटी आप अपने पैन में भी बना सकते हैं, चाहे आप ओवन में भी बना सकते हैं। अब लहसुन की चटनी बनाने के लिए मैंने 7-8 कली लहसुन और 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ ही आधा चम्मच मैंने नमक लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में पीस लिया है। हींग की दाल हमारी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, इसलिए चटनी इस दाल बाटी चूरमे के साथ बहुत अच्छी लगती है। हमारी बाटियाँ ऑलमोस्ट सिक गई है और मैंने चूरमे की बाटी को अलग कर लिया है और इसे इस ढंग से तोड़ लेंगे, क्योंकि हमें इस चूरमे का अभी मिक्सर ग्राइंडर जार में से पीसना है। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैंने अभी कपड़े के बीच में रख के इसे तोड़ा है, और जो थोड़ा सा जला हुआ था उसे मैंने चाकू की हेल्प से अलग कर दिया है। अब जो बाटियाँ थी उन्हें घी में डिप करना ज़रूरी है, तो मैंने थोड़ा सा घी लिया है 1/2 कटोरी जितना, और सभी बाटियों को हल्का सा दबाते हुए, बिल्कुल हल्का सा कपड़े की हेल्प से दबाते हुए इनमें छोड़ देंगे घी में, देखिए कुछ इस तरीके से, ताकि अंदर तक इनमें घी बैठ सके। राजस्थानी खाने में घी ज़्यादा ही चलता है, और जो नीचे बचा हुआ घी है वो हम बाटियों के इन किनारे जो क्रैक्स आए हैं उनके बीच में डालते रहेंगे ताकि अंदर तक घी पहुंच सके। अब इन्हें ढक्कन लगाकर हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब हम चटनी फ्राई करते हैं, तो ये जो मैंने पीस के रखी थी मिर्ची को इसे अलग बॉल में निकाल लिया है और एक कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। तो इस चटनी को मैं राइस से फ्राई करती हूँ, तो राइस से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैंने थोड़ी सी राइस में डाल दी है और साथ ही जो मसाला मैंने पीस के रखा था लहसुन लाल मिर्च का वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है, पानी बहुत कम डालना है। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए और अच्छी सी जाली से ना बनने लगे, नहीं तो लहसुन कच्चा रह जाएगा, तो इसे पकाना ज़रूरी है। ये देखिए तेल छोड़ दिया है, हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब चूरमे के लिए मैंने इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दिया है, थोड़ा ठंडा हो गया है, आधा मैंने पीस लिया है और बाकी को भी इसी ढंग से पीस लेंगे। पीसने के बाद मैंने एक अलग पैन के अंदर घी गरम किया है, जिसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, जिसमें काजू, किशमिश और बादाम हैं, सॉरी मैंने किशमिश नहीं डाली इसमें, काजू और बादाम ही डाले हैं, क्योंकि मेरे बच्चे किशमिश नहीं खाते, अगर आप लोग पसंद करते हैं तो ज़रूर से डाल सकते हैं। इस गरम घी को मैंने चूरमे के ऊपर डाल दिया है, साथ ही मैंने इलायची पाउडर डाला है, 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा है, और साथ ही इसमें बूरा शक्कर चलती है, तो अगर आपके पास ये बूरा शक्कर जो दानेदार होती है ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है, अगर ना हो तो आप घर पर रखी चीनी को भी आप मिक्सर ग्राइंडर में पीस के इसमें डाल सकते हैं, जितना भी मीठा खाना पसंद करते हैं, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी चूरमा ऐसा खुला खुला सा ही होता है, तो मैंने भी इसे ऐसे ही रखा है। अगर आप लड्डू बांधना चाहते हैं इसके, तो फिर इसमें घी और डालना पड़ेगा और उसके बाद इसके लड्डू बना के रख सकते हैं।
अब थोड़े से चूरमे में मैंने गुलाब के पत्ते डाले हैं, क्योंकि गुलाब के पत्तों से इसकी अच्छी खुशबू आती है, तो मैंने थोड़े से पोर्शन में डाले हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप डालें, वरना ऐसे भी इलायची फ्लेवर में भी बहुत अच्छा लगता है ये। अब हमारा पूरा खाना बनकर तैयार हो चुका है। ये बाटियों का घी पूरा बाटियों ने पी लिया है, देखिए साइड में बिल्कुल भी घी नहीं बचा है, अंदर तक इसमें घी चला गया है। देखिए तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए अंदर तक पूरा घी भर गया है। तो हमारी दाल भी बिल्कुल तैयार है, बाटियाँ भी बिल्कुल तैयार है, चूरमा भी बन गया है, और साथ ही लहसुन की चटनी भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। तो आइए इसकी प्लेटिंग शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और एक बार आप भी इस हींग की दाल और साथ ही ये चूरमा बाटी और लहसुन की चटनी मेरे तरीके से बनाकर देखिए और कमेंट में बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। Thanks for watching my channel.